जो जगत जग जनन भरत को सकल धर्म दुरी धरणि धरत को। विद्यास श्रद्धा में श्रोतागुण और भक्तिवती देवियों, अभी जो पंक्ति आपके सामने पड़ी गई उसमें गोस्वामी जी बड़े आग्रह पूर्वक यह कहते केवल श्री भरत का जन्म न हुआ होता तो समस्त धर्मों की धुरा को कौन धारण करता। तो वस्तुतः ये जो सकल धर्म है और वो सकल धर्म का जो एक ऐसा स्वरूप है कि जो प्रत्येक काल में समान रूप से कल्याणकारी है, उसका जैसा विवेचन, उसका जैसा निरूपण और जिस तरह से श्री भरत ने उसे क्रियान्वित किया अपने चरित्र के माध्यम से, विश्व के इतिहास में ऐसा कोई दूसरा पात्र हुआ ही नहीं। और इसी संदर्भ में धर्म की व्याख्या के लिए उन्होंने जो सूत्र दिए वे सूत्र प्रेरक है और उसमें अंतरंग दृष्टि का ऐसा प्रयोग है कि जिसके बिना धर्म शब्द दोहराया जाता रहेगा। धर्म धर्म कोई व्यक्ति बार बार उच्चारण धर्म का करेगा पर वो स्वयं ही नहीं जानता है कि वस्तुतः धर्म है क्या। उस प्रसंग पर पुनः आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा कि अयोध्या की सभा में वो वशिष्ठ धर्म का जो एक बड़ा सुंदर निरूपण करते हैं, कल परंपरा से धर्म के संबंध की जो व्याख्या थी उस परंपरा के सर्वथा अनुकूल थी, किंतु श्री भरत ने कुछ प्रश्न किए और प्रश्न ही नहीं किए, उनका उत्तर भी दिया, उनका समाधान भी दिया। पाप लोगों में से जो नित्य सुनते रहे हैं, जबकि आज संभवतः बहुत से लोग नए हैं, उसमें है सूत्र यह है का एक वाक्य श्री भरत के संदर्भ में यह कहा गया। पहले तो भगवान श्री राम अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा करते हैं और उसके पश्चात श्री भरत ने चित्रकूट की यात्रा की, तो यह प्रश्न किया गया कि श्री राम के दर्शन का क्या परिणाम उस समय जो दर्शन करने वाले हैं उन पर पड़ा। और फिर ये प्रश्न किया गया कि भगवान राम के बाद श्री भरत का जब दर्शन हुआ तो उन्हें क्या मिला। तो गोस्वामी जी जो सूत्र देते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। उन्होंने कहा कि जिन चितये प्रभु, जिन प्रभु ने, जब प्रभु ने चित्रकूट की यात्रा की तो जिन लोगों ने प्रभु को देखा या प्रभु ने जिनको देख लिया वे सब के सब मुक्ति पद के अधिकारी हो गए। ते सब भये परम पद योगी। तो फिर ये प्रश्न स्वाभाविक था कि हमारी सारी संस्कृत में, दर्शन में, चिंतन में यह माना जाता है कि मुक्ति ही सर्वोच्च फल है और यदि श्री राम के दर्शन से प्रत्येक दर्शन करने वाले को मोक्ष का अधिकार मिल गया तो फिर श्री भरत के दर्शन से क्या मिला। तो एक बड़े महत्व का सूत्र है और ये बात रामायण में उत्तरकांड में भी समझाने की चेष्टा की गई। ज्ञान और भक्ति को लेकर के एक चिंतन और विचार में मतभेद
प्राचीन काल से चलाया है और अब भी कई लोग के मन और मस्तिष्क में वह प्रश्न आता है। और वो प्रश्न यह है कि केवल ज्ञान मात्र से व्यक्ति का कल्याण हो सकता है कि भक्त करना भी आवश्यक है। तो जो शुद्ध वेदांतवादी है वे कहते हैं कि बस एकमात्र ज्ञान ही जो है वही समस्या का सर्वोच्च समाधान है और ज्ञान को छोड़कर के न तो कर्म की आवश्यकता है और न तो भक्ति की आवश्यकता है। थोड़ा विषय जटिल हो जाने से मैं उस दिशा में नहीं जाना चाहूंगा, पर वो सूत्र उन्होंने यह दिया कि जो वस्तु सचमुच हो उसका विनाश तो साधन से होगा, प्रयत्न से होगा, क्रिया से होगा, लेकिन जो वस्तु न हो और न होने पर होने का भ्रम हो तो फिर उसका विनाश साधन से कैसे होगा, क्रिया से कैसे होगा। उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे रस्सी बनी हुई और उस अंधेरे में जो रस्सी है उसको देख करके सामने वाले व्यक्ति को लगा के सांप। अब वो वेदांत शास्त्र के जो आचार्य जो कहते हैं कि अब वो जो सांप दिखाई दे रहा है उसको मारने के लिए कोई लाठी का प्रयोग करे या अस्त्र का प्रयोग करे तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं, पर उस सांप को न तो आप लाठी से मार सकते हैं न तो आप उसको किसी शस्त्र से मार सकते हैं, जब है ही नहीं तो आप उसे क्या मारेंगे। तब केवल उसका उपाय तो एक ही है कि आप प्रकाश, केवल प्रकाश आ गया और देख करके रस्सी आ गई, अरे ये तो रस्सी को मैं सांप समझ बैठा। तो उसका अभिप्राय कि प्रकाश के द्वारा जो वस्तु नहीं है उसका निराकरण ज्ञान के द्वारा होता है, क्रिया के द्वारा नहीं। बात अपने आप में युक्त संगत है। मेरे पत्रकार गोस्वामी जी ने भी इस तरह के दृष्टांत दिए। उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति रात्रि में सो रहा हो और सोता हुआ व्यक्ति स्वप्न देखने लगे और वो देख रहा हो कि मैं तो नदी में बाढ़ आ गई है और मैं उसको डूब रहा हूं, तो आपने देखा होगा कभी कभी सपना इतना गाढ़ा होता है, प्रगाढ़ होता है कि व्यक्ति स्वर में भी ऊपर से भी चिल्ला उठता है। तो डूबने वाला व्यक्ति पुकारने लगा, हाय मैं तो डूब रहा हूं, जल्दी से नाव ले आकर के मुझे बचाओ। उसको सुन करके अगर कोई उसका प्रियजन या उसका सेवक नाव लाने के लिए दौड़े कि ये नाव नाव कह रहे हैं तो बिल्कुल बुद्धिहीन है। क्यों न एक नाव क्या, अगर 100,000 नाव भी ला करके खड़ी कर दीजिए तो डूबने से वो बचे जाने, डूबने के अनुभव से डूब तो रहा ही नहीं है, सपना देख रहा है। और तब उन्होंने कहा कि न नाव लाने की आवश्यकता है, बस केवल धीरे से हाथ पकड़ करके जगा दीजिए और उसकी आंख खुलेगी और वो देखेगा अरे ये कुछ नहीं है। तो समझ ने इसके लिए सुबह से सपने सोवत बारिद मूर्त भय ला गए, कोटि नावल पार पाव सुन जब नहीं आप न जागे। तो वेदांत शास्त्र का आग्रह यही है कि जब ये बंधन मिथ्या है, मुक्ति और बंधन के संबंध में वो दार्शनिक प्रश्न है कि बंधन वास्तविक है कि बंधन मिथ्या है। तो वेदांत शास्त्र में कहा गया कि बंधन तो मिथ्या है, तो मिथ्या है तो मिथ्या का निराकरण निराकरण करने के लिए कोई अगर यज्ञ करता है, तब करता है, जब करता है, तो उसके द्वारा मिथ्या बंधन का कैसे निवारण हो। बस उसके लिए तो ज्ञान का प्रकाश हो जाए और उसमें इस बात का बोध हो जाने की आवश्यकता है कि हमारा स्वरूप क्या है, तो उसे लगेगा, पहले लगा कि मैं बंधन में बना हुआ हूं और बाद में साधन के द्वारा उसने छूटने का प्रयास किया, पर अब जब ज्ञान हो गया तो पता चला कि कभी मैं बना हुआ था ही नहीं, बंधन तो भ्रम ही भ्रम। ये संक्षेप में वेदांत शास्त्र की मान्यता।
फिर गोस्वामी जी से प्रश्न किया गया। फिर ये जो भक्ति को इतना महत्व दिया जाता है, भक्ति तो भक्ति पर बल देती, पर गोस्वामी जी का तो समन्वयात्मक दृष्टिकोण है, वो तो ज्ञान और भक्ति दोनों को महत्व देते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा सुंदर सूत्र दिया, और वो सूत्र साधारण महत्व का नहीं, वो समझ में आने योग्य। और ये है कि अगर एक दृष्टांत सांप का दिया गया, तो सांप के दृष्टांत में भी तो ये प्रश्न है कि अगर उसको सांप समझ करके कोई व्यक्ति घबरा गया, या इतना घबरा गया कि अगर उसके शरीर में पसीना होने लगा, डर के मारे वो गिर पड़ा, तो उसका अभिप्राय कि प्रकाश के द्वारा भले ही वो रस्सी दिखाई देने लगे, किंतु वो जो लक्षण प्रकट हो गए हैं, उस लक्षण के निराकरण के लिए उस तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। उसको जैसे सपने में व्यक्ति ने देखा, तो सपना इतना कभी कभी घबराहट उत्पन्न कर देता है कि जब जाने पर भी उसको कुछ न कुछ उस घबराहट को मिटाने के लिए भले ही वो मिथ्या है उस प्रयत्न करना पड़ता है। और एक दृष्टांत और भी बड़ा मनोवैज्ञानिक, और वो मनोवैज्ञानिक दृष्टांत यह है कि अगर किसी व्यक्ति को रोग हो तो उसको दवा लेनी चाहिए। और वेदांत कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को रोग नहीं है और वो केवल उसके मन में एक कल्पना हो गई कि मुझे तो ये रोग हो गया, तो वे कहते हैं कि अब उस व्यक्ति को दवा कर देना की आवश्यकता तो नहीं, उसको तो केवल बता देने की आवश्यकता है कि तुम्हें कोई रोग नहीं। पर ये बात मनोवैज्ञानिक रूप से बिल्कुल सही सिद्ध नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति को यह भ्रम हो जाए कि मुझे रोग हुआ है और डॉक्टर कह दे कि कोई रोग नहीं हुआ, तो डॉक्टर कोई अयोग्य समझ लेता है, तो कुछ नहीं जानता, मुझे अनुभव हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, ये कहने कोई रोग ही नहीं। तो एक डॉक्टर तो हुआ है कि जो कह देता है कि तुम्हें कोई रोग नहीं, तो वो नहीं है। आप जितना विवेकी हो कि उस डॉक्टर पर विश्वास हो तो ठीक है, नहीं तो जो मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है वो तो जानता है कि इसको रोग तो नहीं है, पर इसके मन में रोग की भ्रांति है और उस भ्रांति का परिणाम भी हो रहा है। इसका अर्थ है जब किसी को सिर दर्द हो रहा है, अब आप कहें भ्रम से, तो उनको कहते हैं वो तो दर्द हो रहा है, तुम करो भ्रम को तो रोग ही। तो बुद्धिमान चिकित्सक यह भी करता है, तो उनको कोई ऐसी औषधि देता है जो औषधि नहीं, केवल कोई जल में मिश्रित करके कोई वस्तु दे दिया या कोई इस प्रकार की चीज दे दिया कि वो है नहीं, और उसको लेने के बाद उसको कुछ दिन बाद ये लगने लगता है कि हाँ दवा से लाभ हो रहा है। ये डॉक्टर बड़े अच्छे हैं जो उन्होंने समझ लिया कि ये रोग है, और वो थोड़े दिन बाद स्वस्थता काम हुआ करता है। तो मानो उसका अभिप्राय ये है कि विवेकी जो बहुत आग्रह पूर्वक कहते वो तो वस्तुतः विवेक में चाहे जितना युक्ति संगत हो, पर मानव मन की समस्या का वो समाधान नहीं। उनका अभिप्राय कि अगर सचमुच इससे समाधान हो जाता होता तो बहुत बड़ा प्रश्न है कि सारे शास्त्रों ने लिख डाला, वेदांत में रामचरित मानस में सर्वत्र जो है, या तो ये कहा गया कि ये ईश्वर का अंश है, रामचरित मानस में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और वेदांत शास्त्र ने कह दिया जीव ब्रह्म ही बना पड़ा, जीव और ब्रह्म तो इतने अभिन्न है कि वो वस्तुतः जीव ब्रह्म ही है। पर प्रश्न ये है कि इस वाक्य को इतने दिन तक सुनते हुए भी कि आप कितने लोग सचमुच अपने आप में इसका अनुभव कर रहे, अगर ये सचमुच प्रकाश से ही दूर हो जाना चाहिए तो इतने विद्वान वेदांति प्रकाश कर रहे हैं और लोगों का वो जीवन तो इतना घनीभूत हो गया है, तो उसका अर्थ यह है कि इसका तात्पर्य यह है कि तर्क संगत की बात लगती है कि केवल बुद्धि और तर्क के द्वारा ही आप तुम समझा दीजिए और इतने मात्र से व्यक्ति सत्य को समझ लेगा। इसलिए रामचरित मानस में जो गोस्वामी जी ने एक सामंजस्य, मैं ऐसा करता हूं थोड़ा
शुष्क होते हुए भी आप उसे आत्म से जो इसका चाहेंगे सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं। तो यह है कि एक ओर तो है व्यक्ति का मस्तिष्क और बुद्धि और दूसरी ओर उसका हृदय और उसको मन कह दीजिए। तो मन और बुद्धि की प्रकृति अलग अलग है। बुद्धि का तर्क का जो सत्य है ये आवश्यक नहीं कि हृदय और मन स्वीकार कर ले। तो ऐसी स्थिति में आप किसी को तर्क के द्वारा बुद्धिहीन सिद्ध कर सकते हैं, अज्ञानी सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन आप वस्तुतः जो चाहते हैं उसका वह उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस संदर्भ में सबसे बड़ा सबसे सुंदर दृष्टांत है भुसुंडी जी का। भुसुंडी जी ने जो अपनी आत्मकथा सुनाई उसमें उन्होंने ये बताया कि जब मैं अनेक जन्म उन्होंने हजारों जन्म उनका हुआ और उसके बाद ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, बाल्यावस्था में पिता माता की मृत्यु हो गई, शिक्षा में उनकी कोई रुचि नहीं थी, पूर्व जन्म से ही उनके हृदय में राम भक्त के संस्कार थे और तब वह तो सत्संग के लिए मुनियों के पास जाते हैं। अब उस प्रसंग की ओर आप ध्यान दें जो आपने पिछले दिनों सुना होगा, और वो ये है कि चरक ने और आयुर्वेद ने इस बात पर बड़ा बल दिया कि आप रोग की ही दवा मत कीजिए, रोगी की प्रकृति को समझिए, और रोगी की प्रकृति को समझ करके अगर आप दवा देंगे तो लाभदायक होगी। और रोगी की अगर रोगी की प्रकृति को समझाएंगे और आपने मान करके कि यह दवा तो बहुत उच्च कोटि की है और इस रोग को नष्ट करने वाली है ये दे दिया तो बिल्कुल परिणाम क्या कभी कभी ठीक उल्टा परिणाम हो। तो ये बात बड़े महत्व की है और यही गुरु और संत के संदर्भ में। अगर गुरु वैद्य है संत वैद्य है तो अगर किसी संत का आग्रह हो जाए कि बस सत्य तो यही और यही सत्य सबको स्वीकार कर रहा है तो उसका परिणाम यहां सामने आया। जब भुसुंडी जी शर्मा मुनियों के आश्रम में जाते तो वो मुनि उनकी प्रकृति पर दृष्टि नहीं डालते। वे भावुक हैं, हृदय प्रधान है और उनका मस्तिष्क प्रारंभ से ही एक प्रकार के पक्षपात का से जुड़ा हुआ है। कई लोगों के मस्तिष्क में आप देखेंगे अब स्वाभाविक है कि बुद्धि निष्पक्ष होती है और हृदय पक्षपाती होता है और यह आप प्रत्येक व्यक्ति जीवन में अनुभव कर सकता है। उसका अभिप्राय आप बुद्धि से तो मान सकते हैं ये सब बराबर है पर आपका हृदय तो इसे नहीं मानेगा। आप ये नहीं मानेंगे कि संसार के सारे पुत्र मेरे पुत्र हैं, संसार के सारे व्यक्ति हमारे लिए बराबर है। तर्क भी यही कहता है कि सारे संसार में सब में ईश्वर रहता है पर आपको अपना पुत्र जितना प्यारा लगता है वो तो नहीं रख पाते दूसरे का पुत्र। और इसका अभिप्राय है कि हृदय की प्रकृति जो है वो राग युक्त है, पक्षपात युक्त है, ममता युक्त है। तो बुद्धि के द्वारा तर्क के द्वारा ये सब समझाया जा सकता है पर वो संभव नहीं हो पाता। तब बुद्धिमान कोई व्यक्ति आवे महात्मा के पास और अगर उसकी प्रकृति को यह समझ ले इस व्यक्ति की प्रकृति ऐसी है तो अगर उसके सामने विवेक की बात कहे तो उसका प्रक्षुब्ध परिणाम होगा। पर वो समस्या यही थी वो है हृदय प्रधान। और जब किसी महात्मा के पास जाते हैं और जब वो भुसुंडी शर्मा की ओर देखते हैं तो देखते यही है कि भाई ये तो बड़ा ही उत्कृष्ट चरित्र वाला बड़ा त्यागी है, इसका जीवन बड़ा ही निष्काम है क्योंकि कोई सांसारिक कामना उनके मन में नहीं है। तो तुरंत मुनियों को यह लगता है कि इससे बढ़कर के वेदांत का अधिकारी कौन होगा, ये मानी गया उनके मन में स्वयं वेदांत के प्रति आग्रह है और वेदांत के प्रति आग्रह है तो जिससे जाके पूछते हैं कि महाराज मैं चाहता हूं कि मैं भगवान राम का दर्शन मुझे हो तो श्री राम के दर्शन कैसे होंगे इसका आप उपाय बताइए। और जिस मुनि से वे पूछते हैं वो तुरंत कह देता है कि जिन पूछो सोई मुनि असपाई, ईश्वर सर्वभूत में आ गए, कहां तुम ईश्वर को भूल रहे हो, वो तो समस्त
प्राणियों के हृदय में विद्यमान है। अब कबीर के पदों को जरा जितने पढ़ा होगा तो कबीर का तो ईश्वर भी यही कहता है कि लोगों का ढूंढता बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबा कैलाश में। तो क्या इसका अर्थ है कि मंदिर व्यर्थ है? इसका अर्थ है कि कैलाश की यात्रा व्यर्थ है? उसका अभिप्राय है कि उनको जैसा लग रहा है वो बात कह देते हैं कि वो मुझको कहां ढूंढ रहे हो, वो तो मैं वो मंदिर मैंने मस्जिद मैंने काबा मैंने तो कैलाश में। तो उसका तत्वतः रूप दूसरा है और उसका अभिप्राय ये है। जैसा यहां हुआ जब उसे कोई कह देता है कि ईश्वर तो सर्वत्र है तो उन्होंने स्पष्ट बताया और शब्द कितना सुंदर उन्होंने चला। उन्होंने कहो महात्मा जो कहते थे वो तर्क और बुद्धि से संगत लगता था लेकिन निर्गुण मत मम हृदय न आवा। मैं भावुक व्यक्ति हृदय प्रधान व्यक्ति तो ये निर्गुण मत तो मेरा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता था। मैं तो ही कहता था कि महाराज आप कैसी बात करते, अगर वो ईश्वर हृदय में है तो उसका अनुभव तो मुझे हो गया। इसलिए अगर वो हृदय में भी है तो पहले उसे हम बाहर देखें। आज्ञा तो बड़े सूक्ष्म संकेत है। आज से कोई कह दे कि ईश्वर तो भीतर है तो ईश्वर भीतर होगा पर कह देने से उसका आपको केवल कह देने से ईश्वर दिखाई देने लगता है क्या? कितना भी बड़ा सत्य सत्य क्यों? इसलिए भक्त उनका कहना था कि महाराज रामचरण बारिज जब देखो। एक बार प्रभु भगवान श्री राम का दर्शन मैं कर लूं उसके बाद फिर मैं प्रभु से ही प्रश्न कर लूंगा कि आप कहां रहते हैं। पर ने तो कहा कि तुम इतने योग्य होकर के इस तरह से बुद्धिहीनता की बात करते हो, तो उसको ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे हृदय में बैठा हुआ। निराश हो गए, महर्षि लोमस के पास गए। सुमेर पर्वत पर बट वृक्ष की छाया में लोमस जी बैठे हुए थे, कुछ आशा बची। उनको लगा कि शायद ये मेरी समस्या का समाधान करे। जाकर के उन्होंने प्रणाम किया और स्पष्ट शब्दों में कह दिया सगुण ब्रह्म आराधन मोह कहो भगवान। मैं सगुण साकार ईश्वर की आराधना कैसे करूं आप ये बताइए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति जाकर के किसी खिड़की पर खड़ा हो जाए जहां टिकट मिल रहा हो और वो कहे कि मुझे यहां का टिकट दीजिए और दूसरा कोई बड़ा उपदेशक मिल जाए कहां जा रहे हो तुम सीधे यहां से वृंदावन चले जाओ, तुम यहां से सीधे कैलाश की यात्रा करो कहां इधर उधर जा रहे हो। तो वो तो बेचारा कहेगा भाई अब हमको जहां जाना है आप हमको वो बताइए कि आप अपनी बात करें वहां चले जाओ। तो उन्होंने स्पष्ट बता दिया मुझे सगुण साकार ब्रह्म की आराधना चाहिए। मुनि जी ने नहीं कहा अच्छा अच्छा। तो उन्होंने थोड़ी देर तक तो भक्ति का निरूपण किया पर वो मस्तिष्क में तो ये धारणा है कि भक्ति जो है वो तो सर्वोच्च वस्तु नहीं और उनको ये लगता है कि अभी आ ही गया है तो थोड़ा इसको बुलावा दे दे थोड़ा सुनाया और सुनाने के पश्चात फिर उन्होंने कहा कि वस्तुतः जिस ईश्वर का तुम दर्शन पाना चाहते हो वो तुम्हारे हृदय में ही नहीं है तुमसे अभिन्न है। सो कह तो ही ता ही नहीं भेदा बाद बीच ये लाव ही भेदा। जैसे जल और तरंग एक दूसरे से अलग नहीं है उसी तरह से ईश्वर ब्रह्म और तुम एक दूसरे से अलग नहीं। फिर से मुसंदी ने प्रणाम किया महाराज एक मेरी प्रार्थना है आप जो उपदेश दे रहे हैं उसे मैं सुनूंगा अभी नहीं। अभी नहीं सुनोगे तब कब सुनोगे? बड़ी लोचन बिलो की अवधेशा तब सुनी हो निर्गुण उपदेश। पहले मेरी समस्या तो नेत्र की समस्या है, पहले आप कृपा करके हमारा नेत्र जो है वो श्री राम का दर्शन कर ले फिर अगर मैं अभाव का अनुभव करूंगा यहां इस दर्शन में भी पूर्णता प्राप्त नहीं हुई तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा और प्रणाम करके कहूंगा कि महाराज दर्शन से हमें संतोष नहीं हुआ अब आप कृपा करके मुझे उससे बड़ा तत्व ज्ञान दीजिए।
फिर भी बस जो डायग्नोस्टिक होता है कठिनाई तब आती है कि जो व्यक्ति जहां है वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति भी इतनी सरल बात को क्यों नहीं समझ रहा। वही उन्होंने फिर कहा तो बड़ा सुंदर उन्होंने कहा महाराज, इसका अर्थ है कि कलकत्ते में भ्रमण करने का उपदेश किसी आए हुए व्यक्ति को आप दें और कलकत्ते की सुंदरता का वर्णन करें कहे हाँ क्या क्या है देखने योग्य है वहां तक तो ठीक, पर आपको नदी में रहने वाली मछलियों पर दया आ जाए क्या, इतनी कलकत्ते के पास रहते हुए भी आज तक कलकत्ता ये नहीं देख पाई और जाकर के उनको विदेश देने लगे कि कहां तुम पड़ी हो, जरा निकल करके देखो तो क्या है कलकत्ता कैसा है क्या विशाल है, तो आपका उपदेश क्या चाहे मगर कितना भी सुंदर पर मछली की तो अपनी समस्या है। और यही बात उन्होंने कहा कि महाराज राम भगत जल मम मन मीना से मेरी वृत्ति तो मछली वाली है और राम भक्त के जल में ही मैं जीवित रह सकता हूं, तो आपकी बात सुंदर हो सकती है पर वो तो मेरा तो नहीं उसमें हृदय संतुष्ट होता। और फिर आप देखते तो उसका परिणाम क्या हुआ, बार बार लगने लगा कि इतना उच्च कोटि का ज्ञान और इसको मैं दे रहा हूं और ये नहीं कर रहा है नहीं कर रहा है, क्रोध आ गया कोल में आकर के मूर्ख, अरे मूर्ख मूल परम सिख देव न मानसी उत्तर प्रति उत्तर बहुठानसी सत्य वचन विश्वास न करे बाय सिंह सभी ते डरे पूरा कहूंगा। वैसे कोई को रोटी देने के लिए भी कोई हाथ बढ़ावे तो यही समझता है कि पकड़ेगा उड़ जाता है, इस तरह के तेरे कहूंगा कि नृत्य क्या आवश्यकता है तेरे मनुष्य रहने की, तो मनुष्य रहने योग्य नहीं है, ब्राह्मण कुल में तेरा जन्म हुआ इतनी तपस्या मई वृत्ति आई मैं सर्वोच्च वस्तु दे रहा हूं तो जा तू कंगा हो जाए। विडंबना आपने देखी, वो कह रहे थे महाराज मैं जीव हूं मैं ईश्वर का दर्शन करना चाहता हूं, और वेदांत शिरोमणि कह रहे थे कि आप तुम स्वयं ब्रह्म हो, पर ब्रह्म बनाते बनाते अंत में कौआ बना दिया, कैसी विडंबना है। अरे इससे अच्छा यही था कि पहले भक्त ही बनाते मनुष्य बनाते फिर भक्त बनाते फिर देखा जाता आगे जो बनने बनाने की बात होती ये नहीं होता अतरे, और फिर वो एक अलग दिशा की कथा है। पर उसका एक मूल तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक प्रकृति होती है, अपना एक स्वभाव होता है, अपना एक संस्कार होता है, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है कौवा व्यक्ति जो है ये ध्यान रख करके ही उपदेश देता है कि इस व्यक्ति के लिए संस्कार के अनुकूल है कि नहीं। और इसीलिए भगवान ने भगवान कृष्ण का जो उपदेश अर्जुन को कितना मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा कि देखो ये उच्च कोटि का ज्ञान चाहे जैसा भी हो पर वो जो देहासक्त है जो बेचारे उतने जानकार नहीं है उनको कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए, उसका अभिप्राय है। अब मान लीजिए कह दिया जाए वो बात को तो बड़ा प्रचलित है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो चलो भाई कहिए मन चंगा तो कठौती में गंगा बिल्कुल ठीक, मन पवित्र है मन शुद्ध है तो उसके लिए सब जल गंगा जल, पर ये तो आलसियों के लिए भी महामंत्र, न जाना हो न कुछ कर रहा हो तो बस मन चंगा तो कठौती में गंगा, मन चाहे बिल्कुल चंगा ना हो पर ये वाक्य तो दुराने का अधिकार वो मिल ही है सबको मिला हुआ है, कोई किसी से कोई कहे चलिए मंदिर में दर्शन कराइए अरे कहां ईश्वर, सो ईश्वर क्या यहां नहीं, ये वाक्य कहने वाले बहुत मिलते पर ईश्वर क्या ये नहीं है ये जीव से रटा रटा है वाक्य कह देते हैं कि सतमुज आपको ना। उसका भगवान का अभिप्राय यह है कि वह बात जो उसका अधिकारी नहीं है जब उससे कह दिया जाता है तो परिणाम होता है कि वह व्यक्ति जो है कहो उसका परिणाम यही होता है कि न बुद्ध भेदम जलेत अज्ञानम कर्म संगनाम, उनको ज्ञान की बात पहले मत बताओ, जोशे सर्व कर्मानु उन्हें तो कर्म की और कर्म का उपदेश दो, और कर्म का उपदेश देने के बाद भगवान ने तो यहां तक कह दिया कि उनको उपदेश ही मत दो
बल्कि उनके सामने आचरण भी इसी प्रकार का करो जिससे उसके जीवन में कर्म के प्रति आस्था और उसके पश्चात क्रमशः ये जो हमारे एक तो पक्ष से युक्त जो ग्रंथ है वो और दूसरी ओर वो समन्वय जैसे गीता और रामचरितमानस उनकी विशेषता और विलक्षणता यही है तो उसमें एक क्रम है एक सामंजस्य। इसलिए ये कहा गया रामचरितमानस में यह आग्रह है कि वस्तुतः ज्ञान के लिए भी व्यक्ति को चाहिए क्योंकि सचमुच उस उच्च स्थिति जो वेदांत के युक्त संगत धारणा है कब उसको जानने वाले बहुत थोड़े व्यक्ति। अब रामायण में जैसे दृष्टांत है रामायण तो शास्त्रों का बड़ा पंडित था महान विद्वान था और मंदोदरी ने जब भगवान राम की भक्ति का उपदेश दिया तो रावण ने यही तो मंदोदरी से कहा कहे तुमने जब ये कहा कि राम की भक्ति करनी चाहिए तो दूसरा व्यक्ति होता तो उसको तो क्रोध हो जाता वो तो विरह होता कि मेरी शत्रु वो राम तुम उसकी भक्ति के लिए कह रही पर तुम जैसे विद्वान हो तो मैं भी तो तुम्हारा पति हूं मैं कम विद्वान थोड़ी और सब ये कहता हूं बत कही गुरु विरोचन वाह मंदोदरी क्या तुमने गुरु रहस्य की भाषा का प्रयोग किया है और कहा तुम्हारा वाक्य साधारण नहीं है समझत सुनत सुखद भव मोचन अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो उसको मुक्ति मिल जाए। मंदोदरी चकित हो गई पर जब उस गुरु की व्याख्या किया तो मंदोदरी ने सिर पीट दिया कि अगर ऐसे व्याख्याता मिल जाए और उस व्याख्याता में उसने तुरंत कहा तुम यही तो कह रही हो कि वो राम का सुर आकाश है चरण पाताल है पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अल अल विश्रामा तथा भ्रुकुट विरास भयंकर काला नयन दिवाकर कच घन वाला तो उसका वर्णन तो स्पष्ट बताता है तो अयोध्या में जन्म लेने वाले राम का वर्णन नहीं न तो उसका सिर आकाश है न पाताल चरण है न सूर्य चंद्रमा उसकी आंख है तो मैं समझ गया किसका वर्णन है बोले जानो प्रिया तोरी चतुराई यही दिन कहे मोर प्रभुताई तो मेरे ही वर्णन कर रहे और तुम विद्वान इतनी हो कि ऐसे चतुराई से जैसे निंदा के बहाने से भी स्तुति की जाती है तो तुम्हें वाली साहित्यिक पद्धति में मेरी महिमा का वर्णन किया तुम्हारे प्रतिभा से मैं बड़ा प्रभावित। आप सोचे रावण जब कहता है मैं राम हूं तो अंत में वेदांत का सोहम रामोहम शिवोहम वही तो शब्द है पर क्या रावण को हम तत्वज्ञ मान ले क्या रावण को महान ज्ञानी मान ले क्या। उसका अभिप्राय यह है कि रावण जैसा व्यक्ति जब कोई इस प्रकार की बात शब्द से दोहरा देता है तो उसके जीवन में न तो मुक्ति का बोध है न तो कोई तत्व ज्ञान है उसकी प्रकृति का बस वो ये कहना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों के हाथ में ऐसे वाक्य जो है जैसे किसी हाथ के कैंची दे दी जाए चाकू दे दिया जाए और अगर अधिकारी नहीं है ठीक ठीक प्रयोग नहीं जानता तो अपना हाथ काट लेगा। इसलिए रामचरितमानस में कहा गया है कि भक्ति जो है वो तो परमावश्यक भक्ति जो है वो अनिवार्य रूप से चाहे वो कोई व्यक्ति कुछ भी किसी भी दिशा में क्यों ले जाना चाहता हो उसे भक्ति करना चाहिए और इसके लिए दो सूत्र उन्होंने दिए और दो सूत्र उन्होंने एक तो यह कहा कि जैसे मान लीजिए आपके घर में द्रव्य हो और नाना प्रकार की सामग्री आपके सामने आपको खरीदने की शक्ति है मूल्य चुका करके ले आने की शक्ति है आपके सामने रख दिया जाए पर आपके पेट में अगर कोई रोग है तो वो वस्तुएं रखी रह जाएंगी आप उसका भोजन नहीं कर सकेंगे और करेंगे तो स्वास्थ्य के स्वास्थ्य पर अस्वस्थता देगा थोड़ा अब कृपया जो आनंद ले सके उसको कार्यता से समझे तो उसका अभिप्राय मानो यह हुआ कि ये जो वाक्य है कि मैं ब्रह्म हूं कई ज्ञान का भी वाक्य है और अभिमान का भी वाक्य है दोनों का हो सकता है तो ज्ञान का वाक्य अभिमान का वाक्य इसीलिए रामायण में दोनों संकेत किया गया
वेदों ने कहा कि प्रभु जो लोग ज्ञान की बात करते हुए स्तुति कर रहे थे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरणी भक्ति न आदरी, जो ज्ञान पाकर के अभिमानी हो जाते हैं मैं ज्ञानी हूं मैं ज्ञानी हूं मैं स्वयं ब्रह्म हूं और आपकी भक्ति का आदर नहीं करते, उनकी क्या दशा होती है? बोले ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। वो ऊंचे चढ़ करके जैसे कोई व्यक्ति नीचे गिर पड़े वही दशा उनकी होती है। और दूसरी ओर भगवान राम जब लक्ष्मण जी पूछते हैं ज्ञान क्या है तो उन्होंने यही कहा कि ज्ञान मान यह एकल नहीं देख ब्रह्म समान सब माए। ज्ञान माने जहां पर मान का लेश नहीं, तो बड़ी सुंदर बात है जो कह रहा है सब ज्ञान का। इसलिए रामचरितमानस में कई बात बताई गई कि अभिमान का रोग तो पहले मिटाइए, अभिमान का जो दमनिया है उसके रहते हुए अगर आप वेदांत का वरिष्ठ भोजन करेंगे तो आप या तो पचा नहीं पाएंगे या तो रोगी हो जाएंगे। इसे रामचरितमानस में भक्ति जो अभिमान का निवारण है वो भक्ति के द्वारा होता है। जब प्रभु भक्ति का उपदेश पूछते हैं कि भक्ति क्या है तो भगवान राम कहते सो अनन्य असि जाके मति न चरई हनुमंत, क्या मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये सारा ब्रह्मांड मेरा स्वरूप है और मैं सेवक हूं ऐसा जो मानता है वही मेरा अनन्य भक्त है। अब प्रभु का वाक्य क्या तर्क की दृष्टि से ठीक है क्या? जब ये कहा जाए कि भक्त को ये मानना चाहिए कि ये सारा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है और मैं दास हूं तो कोई भी तर्क कर सकता है कि जब सारा ब्रह्मांड ईश्वर का रूप है तो क्या मैं ही बस रह गया, मैं ही अलग रह गया क्या? क्या बस ये कहा जाएगा कि इनको छोड़कर के सारा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वर है? पर भगवान का तात्पर्य है कि जो लोग कहते हैं कि सर्वत्र ब्रह्म है पर अगर सर्वत्र ब्रह्म कहने वाला अपने को तो ब्रह्म मान ले और लोगों को हीन मान लिया तो अभिमान के गर्त में गिर गया, और सारे ब्रह्मांड को ब्रह्म मान लेने पर अपने को दास मान लेने से अभिमान की संभावना तो मिट ही गई। और इतना ही सही, मान लेते हैं और मान लेने का अभिप्राय यह है कि इस मानने के बाद कि हम तो सेवक हैं हम तो दास हैं तो व्यक्ति के अंतःकरण में अभिमान नहीं होगा। इसलिए प्रभु कहते हैं कि भक्त जो है सारे संसार को ईश्वर का रूप मानता है देखता है पर अपने को दास मानता है। मानो यह भक्ति जो है इतनी जीवन में आवश्यक है कि भक्ति के अभाव में मनुष्य का अंतःकरण अभिमान से मुक्त हो सकता है। और फिर वही समस्या है कि अब अगर कोई व्यक्ति ये कहने लगे कि वो तो सारा जिस संसार का जितना धन है वह ईश्वर का है, बाकी तो बिल्कुल ठीक तो ईश्वर का है ये कहने के बाद फिर प्रत्येक के धन को उठा लिया, जब सबका ईश्वर का है तो हम ले आते हैं हमारा अधिकार है तो उसका तो पग 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 दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए मानो बिना भक्ति का आश्रय ये मनुष्य की जो अभिमान की समस्या है जो लोभ और काम की समस्या है उसका निराकरण नहीं होगा। और इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भाई ज्ञान कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो लेकिन उसके लिए तो उनका जिन थल बिन जन रही न सकाई कोटि भांति को परे करई उपाय तथा मोक्ष सुख सुनु खबर आई रही न सकई हरि भगत बिहाई। जैसे जल बहुत श्रेष्ठ है जल से प्यास बुझती है पर क्या इसका अर्थ है कि बर्तन की आवश्यकता नहीं, मिट्टी के कुल्हड़ की आवश्यकता नहीं है? और उसका अभिप्राय है कि जल को पीने के लिए अब आपकी बाध्यता है, जल बहुत बढ़िया है जल की बड़ी महिमा है पर पीने के लिए आपको बर्तन तो लेना ही पड़ेगा और बर्तन में ही तो आप उसको पिएंगे। और इसी तरह से उन्होंने कहा ज्ञान का जो ये दिव्य मुक्त का सुख है उसको तो भक्त के बर्तन में ही आप पी सकते हैं, इसलिए ज्ञानी को भक्ति अवश्य करनी चाहिए। अब आप कहेंगे कि लीजिए
ये भरत चरित्र की चर्चा चलते चलते ये सब कहां पहुंच गए? पहुंच नहीं गए, ये है उसका अर्थ यहां पर संदर्भ से जुड़ा हुआ। भगवान राम श्री भरत को क्या मानते हैं, भगवान राम की मान्यता क्या है? आप वो पंक्ति सुन चुके हैं, पढ़ चुके होंगे कि भगवान राम हनुमान जी से कहते हैं, तुम जानहु कपि मोर सुभाऊ भरत ही मोहि की अंतर काउ। क्या भरत में और मुझ में कोई रंच मात्र अंतर ही क्या? तो हर तरह से श्री भरत भगवान से अभिन्न है, रूप में भी अभिन्न है, वही श्याम रंग उनका, वही श्याम रंग उनका, इतना साम्य है कि दूसरों के लिए पहचान पाना कठिन है कि श्री राम और भरत में कौन राम है और कौन भरत है। और स्वयं भगवान राम भी ये कहते हैं कि मुझ में और भरत में कोई अंतर है ही नहीं। किंतु बड़े महत्व का सूत्र यह दिया गया, अंतर नहीं हो तो फिर दो की क्या आवश्यकता, दो तो बने, अंतर नहीं है तो एक को हम भक्त कहें दूसरे को भगवान क्यों कहें? एक व्यक्ति की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा साधना की यात्रा के रूप में क्यों देखें? और उसका सूत्र गोस्वामी जी ने यह दिया कि भगवान राम के दर्शन से ही अगर समस्या का समाधान हो जाता तो मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट न होती, कैकेयी की बुद्धि का विनाश न होता और अयोध्या में इतना अनर्थ न होता। साक्षात ईश्वर था, ईश्वर नहीं श्री राम, पर वो ईश्वर के रहते हुए भी कौन सा ऐसा दोष है कि जो अयोध्या में नहीं आ गया? और इसका उत्तर यही था। यो कह लीजिए कि आप सोचने लगिए महाराज श्री दशरथ राज्य देना चाहते, गुरु वशिष्ठ कहते हैं कि राज्य दे दो, अयोध्या के सारे नागरिक का बुलाए गए, सारे नागरिक तो उत्सव के लिए तैयारी कर रहे हैं, नगर को सजा रहे हैं, इतना होते हुए भी राम राज्य नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया? उसको अगर भौतिक अर्थों में कहें कि भरत यदि होते अयोध्या में तो क्या ये अनर्थ हो पाता? इसीलिए गुरु वशिष्ठ को श्री भरत ने थोड़ा उलाहना दिया था। जब चित्रकूट में गुरु जी ने पूछा कि भरत लौटाने का उपाय क्या है, तो एक तो उन्होंने कहा गुरुदेव उपाय तो बताना ये तो आपका ही कार्य, पर उसके साथ एक शब्द उन्होंने जोड़ दिया, पूछिए मोहि उपाव अब। ये अब शब्द जो है बड़े महत्व का। अब मैंने कहा महाराज इस समय, और इतने में उन्होंने जो बात कह दिया आ रहा था अमित अहरु आकर थोड़े, उसका अभिप्राय था कि गुरुदेव उपाय तो आपके पास ही था। क्या कह मेरी माता कहे जाने वाली महारानी कैकेयी ने दो वरदान मांगा, और पहला वरदान उन्होंने मांगा कि मेरे पुत्र को राज्य मिले, और दूसरा वरदान मांगा कि 14 वर्ष के लिए श्री राम बन जाए। तो उपाय तो आपके पास था, क्या आप आग्रह पूर्वक महाराज दशरथ से कह सकते थे, पिताजी से कह सकते थे कि ठीक है महारानी का वचन आपने दिया है पूरा कीजिए, पर जिस क्रम से मांगा गया है उसी क्रम से तो पूरा करना चाहिए, पहले भरत को बुला दिया जाए, भरत को राजा बना दीजिए, फिर श्री राम को बल जाने 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 की बात कह दीजिए। और आप जानते हैं कि यदि मुझे बुला लिया गया होता तो वे तो अलर्ट हो ही ना पाते। तो इसका अभिप्राय यही है कि बस यही कहा जा सकता है कि सब बुलाए गए भरत नहीं बुलाए गए तो राम राज्य नहीं बन पाए। और उनके देखते ही देखते इतना बड़ा रोग फैल गया अयोध्या में, क्या कहना है, कौन सा ऐसा भयानक रोग है जो अयोध्या में, लगता था कि अयोध्या के लोग तो बड़े स्वस्थ हैं, पर वो स्वस्थ अयोध्या में महारानी कैकेयी जिनकी इतनी महिमा थी, जब उनके रोग प्रकट होने लगे, अभिमान ममता ईर्ष्या, कौन सा ऐसा दोष है लोभ जो उनके जीवन में नहीं आ गया। और तब प्रभु ने, अभी बेटी मंदाकिनी ने प्रश्न रास्ते में कर दिया कि प्रभु ने अयोध्या वासियों की चिकित्सा क्यों नहीं किया? प्रभु तो स्वयं महान शीलवान है और महानतम उनका चरित्र है। पर उसका सूत्र यही कि प्रभु ने मानो ये अनुभव किया और वही उन्होंने, इसीलिए भक्त लोग इसको दो दृष्टियों से देखते हैं। क्या
भगवान राम पहले चित्रकूट गए और बाद में श्री भरत ने चित्रकूट की यात्रा की, तो एक युक्ति तो यह है कि भक्त आगे आगे और भगवान पीछे पीछे। पर दूसरी व्याख्या है कि नहीं नहीं, जैसे कोई बड़ा महापुरुष आने वाला हो तो पहले प्रचार किया जाता है कि वो आने वाले हैं और आप लोग लाभ लीजिए। इसी प्रकार प्रभु तो आगे चलते हुए बता रहे थे कि महापुरुष तो पीछे आ रहा है, पर मैं तो प्रचार करने वाला हूं, आप लोगों की जो समस्या होगी उसका समाधान तो वही देगा। और वो स्वामी जी ने यही कहा कि श्री राम का दर्शन व्यक्ति को मुक्त भले ही बना देता हो, पर मन को रोग का समाधान तो श्री राम के पास नहीं है। कहा ईश्वर जब हमारे आपके हृदय में बैठा हुआ है, काम भी क्रोध भी लोभ भी अभिमान भी, वो यही तो कह रहे हैं सारे शास्त्र के, ईश्वर बैठा हुआ, पर क्या कोई विकार दूर हो गया क्या, क्या कोई बुराई मिट गई तो क्या? उसका उत्तर है कि भगवान राम ये बताना चाहते थे कि मेरी उपस्थिति होते हुए भी भले ही आप मुक्ति के अधिकारी हैं, पर भरत को स्वामी जी ने अंतर कर दिया। श्री राम के दर्शन से मुक्ति का अधिकार मिलता, लेकिन भरत के दर्शन से, बोले भरत दरस मेटा भवर हो। भगवान ने कहा भाई वैद्य तो भरत है, और उसका सांकेतिक सूत्र यूं समझ ले कि ज्ञान जो है फिर उसी सूत्र को आप पकड़ लो, ज्ञान परिवर्तन नहीं कर सकते, परिवर्तन तो केवल प्रेम के द्वारा होता है। ज्ञान का कार्य तो इतना है कि प्रकाश है, इसका कार्य बदलना थोड़ी है, वो तो जैसा है वैसा दिखला देना। और मानो अगर भगवान राम अखंड ज्ञान है तो श्री भरत मूर्तिमान प्रेम है, और प्रभु जब चले गए तो उसका अर्थ है अब अगर यहां रोग है तो उसका निराकरण तो आ रहे हैं, वो तो उनका कार्य है, उनकी भूमिका है। और सचमुच श्री भरत ने ही उस रोग का सही निदान किया, उसके लिए सही औषधि दिया और दिखा दिया कि इसको छोड़ करके इस रोग का कोई न निदान है और न कोई औषधि। और यही सूत्र ही है कि भगवान श्री राम जो है वो तो कैकेयी जी को प्रणाम करके ही चले गए, पर प्रणाम कहा जा सकता है? प्रश्न उन्होंने किया कि भगवान राम तो बड़ी मीठी भाषा, कैकेयी जी की बड़ी प्रशंसा करके चले गए, पर एक सूत्र भगवान राम छोड़ गए थे। कैकेयी जी ने जब भगवान श्री राम को बुलवाया, क्योंकि महाराज श्री दशरथ उन बातों को सुनते मूर्छित पड़े हुए थे, कैकेयी ने कहा बुला लाओ राम को। सुमंत जी जाते हैं श्री राम को बुला करके लाते हैं। भगवान श्री राम ने जाकर के देखा पिताजी मूर्छित पड़े हुए हैं, बिल्कुल बेचैन करा रहे हैं, और कैकेयी कुछ क्रोध भरी मुद्रा में बैठी हुई हैं। प्रभु श्री राम भद्र ने मां को प्रणाम किया, महर्षि को प्रणाम किया, उसके पश्चात पूछ दिया कि मां पिताजी मेरे प्रणाम करने पर भी बोल नहीं रहे हैं, भाव मोहिते कछु बड़ा अपराध, लगता है मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तभी तो पिताजी नहीं बोल रहे। तो वे नहीं बोल रहे हैं, पर आप तो मां है, आप तो उदार है, आप बता दें कि मुझसे क्या अपराध हुआ है। कैकेयी जी तो ऐसी कला में पंडित हो गई है, मंथरा से दीक्षित लेकर के, तो वो मंथरा ने तो अपनी सारी बोलने की कला उनको सिखा दिया। और उसने कहा अरे मैं तुम अपराध योग नहीं था, अरे हम तुम कहीं अपराध के योग्य हो सकते हो, तुम अपराध लगा कितने ऊंचे विचार भी, पर भूमिका क्या थी वो धीरे धीरे प्रकट। तुम अपराध योग नहीं ताता, जननी जनक बंध सुखदाता, तीन का चुनाव किया, तुम मां को सुख देने वाले हो, पिता को सुख देने वाले हो, और भाई को। संकेत ये था मुझे सुख देना चाहते हो तो बन चले जाओ, पिताजी के सत्य की रक्षा करना चाहते हो तो बन चले जाओ, और बंधु को सुख देना चाहते हो उसको राज्य दे दो। भूमिका यही थी, इसलिए चुन करके शब्द होने जननी जनक बंधु सुख जाता। अफ्रीका बात यह है कि देन कहें तुम्हारे पिताजी ने, देन कहें मोहि द्विवर दाना, मालूम जो कछु मोहि सुहाना, इन्होंने दो वचन दिया था कि मैं दूंगा और मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने मांगा।
अब वो इसके बाद तुम्हारी ममता इनमें ग्रस्त हो गई, तुम तो ममता से ऊपर उठे हुए प्रशंसा राम की हो रही। ऐसे कई लोग प्रशंसक होते हैं जो प्रशंसा केवल स्वार्थ से ही, तुम तो बड़े भक्त हो, पितृभक्त हो, लेकिन देखो तुम समझाए, तुम तो पिताजी को समझाओ क्यों। बोले चौथे पन जी अजसन हो, तुम्हारे पिताजी वृद्ध है, इस वृद्धावस्था में इनको अयश हो जाए तो कितना बुरा होगा। राम मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और फिर बताया मैंने वरदान मांगा है कि भरत को राज्य मिले और तुम 14 वर्ष के लिए बन जाओ। बस उन्होंने अपनी शैली का प्रयोग किया और यो कहना चाहिए कि अब ये जो शील का प्रदर्शन है, शील का एक रूप वह भी दिखाई दे रहा है जो कैकेयी की वाणी में, वो कौन सा है? जैसे भीतर तो भरा हुआ है स्वार्थ और विष और ऊपर से उसको मिठास में घोल करके। कैकेयी ने श्री राम को देखा तो उन्हें देख करके मर्म सुखाए भानुकुल भानु, बड़े सजग है, हंसने का मन हो रहा है, पर इस प्रतिकूल वातावरण में हंसना ये तो बिल्कुल अमर्यादा की सीमा होगी। तो सावधान इतने हैं कि दूसरी आदि ने लिखा मन मुस्कुराए, मन ही मन मुस्कुराए और भानु कुल भानु राम सहज आनंद निधानु। राम तो सहज आनंद के केंद्र मूर्तिमान रूप है। संसार में अधिकांश व्यक्तियों का आनंद तो वस्तु से जुड़ा हुआ है, पद से जुड़ा हुआ है, परिस्थिति से जुड़ा हुआ है। राम का आनंद तो अपने आप में ही है। और इसलिए उन्होंने तुरंत कहा सुन जननी सोई पितु वर भागी जो पितु मातु चरण अनुरागी तनय मातु पितु तोष निहारा दुर्लभ जननी सकल संसारा। बार बार प्रभु ने एक नया शब्द बदल लिया। अभी तक जब भी माँ कैकेयी जी को पुकारते थे इसके पहले तो माँ कह करके ही पुकारते थे, पर अब बार बार प्रभु ये कहते हैं मुनिगण मिलन विशेष बन सब ही भाव तुहित मोर तेहि मा पितु आय सुबर सम्मत जननी तोर। जननी जननी जननी, आप जननी और माँ का अंतर तो जानते ही होंगे और वो अंतर यही है, माँ प्रत्येक को महिला को आप माँ के रूप में देखें एक रूप है, पर जननी शब्द का सीधा सा अर्थ है जिसके गर्भ से जन्म होता है, जो जन्म देने वाली है वो जननी। तो प्रत्येक माता तो हो सकती है पर जननी तो हुई है कि जिसके गर्भ से जन्म हुआ। पर भगवान राम ने आज कैकेयी जी को की पदोन्नति कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं अब तक तो आपको मां कहता था पर अब मैं आपको जननी के रूप में मानता हूं। क्यों? बोले बच्चा जब बोल नहीं पाता तो एक जननी ही ऐसी होती है कि जो बच्चे के हृदय की भाषा समझती है और इस इच्छा को पूरी करती है। मां कल भी जब गुरु जी ने मुझे राज्य के लिए कहा तो मेरे मन में एक इच्छा थी पर मैं डर के मारे बोल नहीं पाए। पर धन्य हो तुम, कितनी महान हो कि तुमने मेरे हृदय की बात समझ लिया। कल ही मैं सोच रहा था कि छोटे को छोड़ करके बड़े को राज्य देना ये अनुचित है और तुमने वही वरदान मांग दिया। कितना तुम्हारा, कितना तुम मुझे जानती हो, कितना तुम मेरे हृदय की जो बात मैं गुरु जी के डर के मारे नहीं बोल पाया, पिताजी के डर के मारे नहीं बोल पाया, कैसा तुम्हारा उदार हृदय है कि तुमने वो मेरी इच्छा पूरी कर दी। पर प्रभु ने कहा मां तुलना उन्होंने की सेव ही अनुभ कल्प तरु त्यागी और परिहरी अम्य ले ही विश्व मांगी ते उन पाई अस समय चुका ही। देखो विचार मां तुमने मांगी, ये तुम्हारा दो वरदान नहीं। भगवान ने तुलना की, मां तुम्हारा एक वृक्ष तो कल्प तरु के समान है और दूसरा मर्दान जो है वो अमृत के समान है। क्या? जब तुमने कहा भारत को राज्य मिले तो ये तो कल्पतरु के समान, तुमने मेरे हृदय में इच्छा थी कल्पतरु वाले जो कल्पना को पूरा करे। पर कल्पतरु में और तुम में अंतर यही है कि कल्पतरु जितना मांगा जाए उतना ही देता है, पर तुमने जब ये कहा कि राम तुम्हें बन जाना होगा तो मां तुमने इतना दे दिया, तुमने अमृत दे दिया। और यह संकेत था श्री भरत के प्रेम की ओर, मां कब भरत को राज्य ही नहीं मुझे बन भेज करके जो तुम दिव्य प्रेम का दान दे रहे हो तो संसार को धन्य बना देगा,
मैं तुम्हारे चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। कह गई फिर भी उनको यही लगा कि राम चापलूसी करके बातें बना रहा। यही लिखा हुआ सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करी जान चले जोंक जिन बक्र गति जद्यप शरीर समान। आपने जोंक को देखा होगा, जोंक वो चिपड़ जाए तो खून चूस लेती है। तुलसीदास जी ने जोंक से तुलना किया। कई लोग कैकेयी जी की प्रशंसा करते हुए सारे प्रसंगों को भूल जाते हैं और अपनी काव्यमयी भाषा में कहने लगते हैं कैकेयी कैकेयी कैकेयी। वस्तुतः कैकेयी महान नहीं है, राम का शील महान। और राम का शील महान इसलिए है कि वो कैकेयी को भी इतना सम्मान दे सकते। ये श्री राम के चरित्र की विशेषता है, कैकेयी जी की नहीं। जोंक के समान उनकी तुलना करके गोस्वामी जी कहते हैं जोंक तो दूसरे का खून ही चूसना जानती है। ये जोंक वाली जोंक की वृत्ति है। पर जोंक को आपने देखा होगा, जल तो समान बह रहा है पर जब वो चलेगी तो तिरछे चलेगी। बोले श्री राम तो उनका वचन जो है वो तो एक सम जल के समान है, पर ये जोंक के समान कैकेयी जो है उसको लगता है अच्छा वो तो कुटिलता का पाठ मंथरा से पढ़ लिया तो उसको तो उनको तो सब जगह कुटिलते दिखाई देती है। वे सोचती है मैं जैसे भाषण दे रही थी वैसे ही राम ने चतुराई किया। किंतु भगवान श्री राम के मन में जो भावना थी, जो प्रसन्नता थी, उस प्रसन्नता का अभिप्राय भगवान राम मानो यह बताना चाहते थे कि मेरी उपस्थिति से परिवर्तन नहीं होता, मैं चाह करके भी परिवर्तन करने में असमर्थ हूं, किंतु जब भरत जैसा संत, भरत जैसा महापुरुष जब अपने चरित्र के द्वारा परिवर्तन ला देता है तो परिवर्तन होता है। और आप देखेंगे कि सच में भगवान श्री राम तो मुस्कुरा करके भविष्य की कल्पना से वो सोच रहे हैं भविष्य में क्या होगा और वो उस भाव को लेकर के वन में चले गए। और जब श्री भरत आते हैं वो वैद्य कि जिसके लिए भव रोग कह करके ये कहा गया कि वो तो संसार के समस्त रोगों का वैद्य है। तो एक तो पुराने वैद्य जी थे गुरु वशिष्ठ और एक नए वैद्य जी भरत जी। तो गुरु वशिष्ठ को तो पुराने वैद्य की उपाधि मिली हुई थी, सारा रघुवंशी ही सूर्यवंशी उनको वैद्य के रूप में देखता था और समस्या का समाधान गुरु जी से पता था। और मां ने भी इसी आधार पर कह दिया कौशल्या जी ने कि गुरुदेव तो वैद्य है और अगर वो कोई बात कहते हैं तो उसे तुम स्वीकार करने में पंच बात कष्ट का अनुभव मत करो। किंतु श्री भरत ने जो प्रश्न उठाए और उसमें वो तीन चार प्रश्न है उन पर एक दृष्टि आप डालें। एक प्रश्न तो उन्होंने यह किया जब उन्होंने देखा कि सभी लोग मेरे कोई राज्य के मेरे लेने का विरोध नहीं कर रहा है तो उन्होंने एक प्रश्न गुरु वशिष्ठ से किया, अयोध्यावासियों से किया, कौशल्या अम्बा से किया, मंत्रियों से किया और थोड़े से वाक्यों में ही उन्होंने सबको निरुत्तर कर दिया। उन्होंने एक बात के तो ये कहा गुरुदेव से अनुरोध किया आप तो महानतम है पर मुहि अनुहरत कृपा करके आप मेरी ओर भी तो ध्यान दें। वही सूत अगर मैं रोगी हूं अयोध्या के लोग रोगी हैं तो रोगी की प्रकृति तो समझ लें और फिर आप फिर दवा का आप जो निरूपण करें वो करें। दूसरा प्रश्न उन्होंने यह किया कि क्या ये सचमुच निदान जो है वो रोग का सही निदान है और क्या जो औषधि गुरुदेव बता रहे हैं क्या वो सही औषधि है और क्या जो पथ्य मां कह रही है वो पथ्य है क्या। और वह कितने महत्व का प्रश्न उनका है, मानो श्री भरत सही सही निदान कर देते। और वो सही सही निदान यह था कि अयोध्या की प्रश्न ये नहीं है, यहां से प्रश्न मत प्रारंभ कीजिए कि पिताजी ने कहा तो बस समस्या का समाधान यही है कि मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, इससे बढ़कर के तो और संसार के लोग तो सचमुच समस्या का समाधान वहीं से करते और वहीं से माने। वो तो जैसे 20 डाकू मिलके डाका डाले
और डाका डालने के बाद जब बैठे तो आपस में कहें ईमानदारी से बंटवारा होना चाहिए। तो डाका डालने में ईमानदारी की आवश्यकता नहीं, पर बंटवारे में तो ईमानदारी की दुहाई देनी ही पड़ेगी। समस्या का श्री भरत कहते हैं कि पिताजी ने अगर मुझे राज्य लेने के लिए कहा तो क्यों कहा, और अगर महारानी कैकेयी ने यह वरदान मांगा क्यों मांगा, किस मूल में क्या है। और उन्होंने एक एक प्रश्न, मानो उन्होंने एक महावितरण सूत्र दिया कि अगर धर्म का एक एक क्रम है, धर्म जो है एक तो समाज के स्वार्थों में सामंजस्य पैदा करता है, आपका भी स्वार्थ है इनका भी स्वार्थ है, दोनों का न्यायपूर्वक समाधान हो जाए, बंटवारा हो जाए, ये धर्म का ये पहली कक्षा है। किंतु ऐसा न हो कि धर्म का प्रयोग केवल व्यक्ति धर्म का स्मरण उस समय व्यक्ति करे जब उसके स्वार्थ की समस्या हो, और स्वार्थ के समर्थन में ही जब धर्म का उपयोग होने लगता है तो धर्म के नाम पर जितना अनर्थ होता है उतना अनर्थ तो दूसरी तरह नहीं हो सकता। और इसका अभिप्राय कि अगर कोई व्यक्ति ये समझ रहा हो कि ये अधर्म है फिर भी कर रहा है तो कम से कम बुद्धि से तो जानता है, पर वो अपनी बात को बुद्धि से भी समर्थन देने लगे तो फिर तो उस व्यक्ति का रोगी को रोग हो, और रोगी को रोग होने के बाद वो ये समझे कि मुझे रोग हुआ है, रोग मेरी भूल से हुआ है, और वैद्य से जाकर के कहे कि मेरी ये भूल से रोग हुआ, क्या इसकी कोई दवा है, तो उसके दवा हो सकती है। पर ऐसा रोगी जो अपने को रोगी न मानता, ऐसा एक रोगी मिल गया था हनुमान जी को, प्रभु ने तो कहा हनुमान जी से कि लंका तुम ही जाओ पहले, तो प्रभु की योजना यही थी, शंकर जी के अवतार है तो ब्राह्मण के गुरु तो शंकर जी है, तो गुरु जी ही जाकर के चेले को स्वस्थ करे। हनुमान जी पहुंच गए तो रोगी तो बड़ा अद्भुत था, और वो अद्भुत यही था, दृश्य तो सारा उल्टा था, हनुमान जी बने हुए खड़े हैं, रावण जो है सिंहासन पर बैठा हुआ है, व्यंग क्या है, बद्ध कौन है और मुक्त कौन है, हनुमान जी तो बद्ध दिखाई दे रहे, रावण मुक्त दिखाई दे रहा, रावण न्याय के सिंहासन पर बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, हनुमान जी अपराधी के रूप में जहां अपराधी खड़ा होता है वहां खड़े किए गए हैं, और वो स्थिति तब विलक्षण होती है जब रावण हनुमान जी पर आरोप लगाते हुए पूछता है तुमने वाटिका क्यों, फल क्यों खाया, बाह क्यों जाड़ा, राक्षसों को क्यों मारा। यह दृश्य था हनुमान जी विनम्रता से, वो तो एक लंबा प्रसंग है, रावण को बताते हैं, पर वो तो गुरु है वैद्य है, और सचमुच उन्होंने प्रकृति समझ करके जितनी उदारता हो सकती थी उतनी उदारता रावण के प्रति रखी। उन्होंने कहा समस्या केवल एक ही है कि आपके द्वारा ये जो कार्य हुए हैं उसके मूल में केवल आपका मोह है, और मोह की वृत्ति, मोह के द्वारा ही व्यक्ति गलत दिशा में जाता है। रामायण में भी यही कहा गया कि सारे रोगों के मूल में मोह है, मोह सकल व्याधिन कर्म मूला, तिनते पुनि उपजही बहुसूला। उन्होंने कहा कि देखिए वस्तुतः मोह के कारण आपसे यह भूल हुई है, तो मैं दवा बता रहा हूं, पथ्य बता रहा हूं, आप उसे लीजिए। और पथ्य में इतने उदार हनुमान जी हैं कि उन्होंने ये भी नहीं कहा रावण से कि अभिमान छोड़ दो, जानते हैं ये तो अभिमान छोड़ना तो शब्द कितना संजित संतुलित बोल, मोह मूल बहुशूल प्रद त्याग उत्तम अभिमान। अच्छा स्वतोगुणी अभिमान, आप विद्वान है, आप बड़ा पूजा पाठ बड़ी तपस्या वाले हैं तो उसे भी रहने दीजिए, आप राजा है तो रजोगुणी अभिमान भी रहने दीजिए, मैं नहीं छोड़ने के लिए कहूंगा, पर ये तमोगुणी अभिमान तो छोड़ दीजिए। मैंने वैद्य ने पथ्य ऐसा बताया जो सबसे सरल हो, बस केवल तमोगुणी अभिमान छोड़ दीजिए। और दवा, बोले दवा तो यही है कि भजहु राम रघुनायक कृपा सिंध, भगवान की भक्ति दवा है, मोह रोग का मूल कारण है, और अभिमान तमोगुणी अभिमान छोड़ दीजिए पथ्य। अब इससे महान वैद्य कौन होगा, क्यों हाथ जोड़े खड़ा हो रोगी के सामने,
अब रोगी को वैद्य को प्रणाम करना चाहिए कि वैद्य ही हाथ जोड़े रोगी के सामने खड़े? और इसके उत्तर में रोगी कैसा निकला, बोला अभी हंसी। वैद्य ने कहा कि अच्छा भाई, ये वस्तु तो कम से कम छोड़ दो। और रोगी इतना विचित्र मिले कि जिस वस्तु को छोड़ने के लिए कहा है उसी को 10 गुना बुला करके कहे हम इन्हीं के सामने खाएंगे, देखे ही क्या कर लेते हैं। तो वो स्वामी जी ने कहा, हनुमान जी तो कहे त्याग हो तम अभिमान। यहां रावण बोला भैया से महाअभिमानी, खूब ऐसा मेरा हम ही कभी गुरु बड़े ज्ञानी हो, बड़े आप तो ज्ञानी, आप अपने को गुरु मान बैठे क्या जो मेरी चिकित्सा करने चले आए। और तब अगला बात को सुना तो हनुमान जी मन ही मन समझ गए, क्या वैद्य तो बताया करते हैं कि रोगी जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा, कितनी आयु है, स्वस्थ होगा कि नहीं, पर वैद्य जी आने और रोगी उन्हीं की के लिए कहने लगे कि अब आप तो मरने वाले हैं वैद्य जी, तो अब वैद्य जी बेचारे की क्या दशा होगी। उसने यही कहा, बोला सिमा अभिमानी, मेरा हम ही कपि गुरु बड़े ज्ञानी, मृत्यु निकट आई खन को, बस अब तुम मरने ही वाले हो। तो वह हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा, भाई मृत्यु तो किसी न किसी की होगी ही, उल्टा हो ही नहीं कहा हनुमान, मानो अब इस प्रकार का अगर कोई रोगी हो तो उस रोगी के स्वस्थता का तो प्रश्न ही कहां से आता है, कैसे होता है। लेकिन का समस्या का जो वास्तविक रूप था हनुमान जी ने बताया, समस्या के मूल में वो रावण तो सीधे से कह देगा, इन्होंने मेरी बहन सुरपणखा का नाम कान काट दिया, बदले में मैंने इनकी पत्नी का हरण किया। रावण के तर्क के तो समर्थक भी आजकल मिल जाते, वो लगते हैं कि रावण ने अन्याय क्या किया, अगर उसके परिवार का उसकी बहन का अपमान किया गया तो अपमान का बदला लिया। पर हनुमान जी कहते हैं, हनुमान जी का संकेत यह है, इतिहास यहीं से शुरू होगा क्या, सूरपणखा का नाक कान काट लिया गया तुम यहीं से शुरू करोगे, क्या हुआ, क्यों गई, सूरपणखा ने क्या चेष्टा किया। सूरपणखा सीता जी को खाने की चेष्टा करती, भगवान राम मृत्यु दंड के स्थान पर इतना छोटा दंड देते हैं, तो तुम उस सारी घटना को भुला करके बस वहीं से, उन्होंने किया तो मैं कर रहा हूं, मानो किसी भी समस्या का समाधान यदि ढूंढना है तो उसके अंतरंग कारण की ओर ध्यान देना ही चाहिए। और यही श्री भरत ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो कुछ यहां हुआ है और जो उसका परिणाम दिखाई दे रहा, स्पष्ट दिखाई दे रहा, क्यों हुआ। आपने गुरुदेव ने तो कह दिया वे सिंहासन पर बैठ जाओ, और तब उन्होंने कहा समस्या दूसरी और दबा दी जा रही है दूसरी, और वो दोहा जो कल आपके सामने कहा गया, उन्होंने कहा ग्रह ग्रही, एक तो ग्रह दशा खराब आ गई और बात रोग हो गया हो और बिच्छू मार दे। अब अगर कोई व्यक्ति आवे और कोई वैद्य कहे कि शराब पियो चलो, तो शराब के नशे में थोड़े देर के लिए भले ही वो भूल जाए पर तो उससे ग्रह दशा मिट जाएगी क्या, बात रोग मिट जाएगा क्या, और बिच्छू की पीड़ा क्या उससे समाप्त होती है क्या। श्री भरत का तात्पर्य यह था कि गुरुदेव अयोध्या में ये तीनों समस्याएं, और तीनों समस्याएं ग्रह दशा माने, पहले पहली समस्या तो यही है। और गोस्वामी जी ने उसी क्रम से इसका निरूपण किया, जब मंथरा आती है, सरस्वती आती है मंथरा की बुद्धि को बदलने के लिए, तो गोस्वामी जी ने कहा हरस हृदय दशरथ पुर आई, जन ग्रह दशा दुसा दुखदाई। उसका अभिप्राय यह है सबसे बड़ी ग्रह दशा वो नवग्रह वाली दशा में ढूंढिए गया, ये तो काव्य है, ज्योतिषी तो हर जगह अपने ग्रहों को ही ढूंढते, श्री राम को राज्य मिलते मिलते बन जाना पड़ा तो ज्योतिषियों ने तुरंत कहा कि वो तो इसलिए नहीं मिला कि उनकी कुंडली में मंगल खराब हो गया था, और इसीलिए राज्य मिलते मिलते बन जाना पड़ा। अंगारक विरोधन रामो राष्ट्राज विवासित है, हंसी आ जाती है, अब ज्योतिषी जी के कुंडली में मंगल खराब होगा, श्री राम को तो कहीं अमंगल की अनुभूति हुई नहीं, वो तो परम मंगल में रूप में उससे देख रहे हैं। मानो संकेत यह है, सूर्य चंद्रमा शनि मंगल बुध रवि इससे नहीं, जब मनुष्य के बुद्ध में स्वार्थ आ जाए तो समझ लीजिए कि अब ग्रह दशा पूरी आ गई, बुद्धि भ्रष्ट हो गई,
नौ ग्रह में एक ग्रह बुध है, एक ग्रह शनि है, और शनि का सांकेतिक तत्व यह है कि शनि जो ग्रह है उसके पिता सूर्य है, और शनि जो है वो सूर्य का महान शत्रु है। तो इसका संकेत यह है, वैसे ज्योतिषी लोग जब देखते हैं कि पिता के संबंधित ग्रह में कुंडली में शनि का योग हो तो मान लेते हैं कि पिता और पुत्र में कभी नहीं पटेगी। इस तरह से अपना ज्योतिष की अपनी व्याख्या है। फिर उनका तात्पर्य यह था कि जब ये बुद्धि भ्रष्टता हो गई कि पिताजी की मृत्यु के लिए भी, मृत्यु को भी अनिवार्य मान करके स्वार्थ के लिए, स्वार्थ की वृत्ति आ गई, तो इससे भयानक ग्रह दशा कौन सी होगी। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। और फिर बात बस में एक संकेत पिताजी के लिए था। उत्तरकांड में यह कहा गया कि काम वात कफ लोभ अपारा और क्रोध पित्त नित्य छाती जारा। का वात रोग जैसे शरीर में होता है, उसी प्रकार से जीवन में मन में अगर काम आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि वात रोग हो गया। संकेत यह था कि एक और तो बुद्धि भ्रष्ट हुई, मंथरा की बुद्धि भ्रष्ट हुई, महारानी कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हुई, पर उतने से ही तो नहीं समाप्त हो गया। पिताजी की ओर आक्षेप जो उन्होंने किया बड़ा सावधानी से किया। बात बस का अभिप्राय यह था कि पिताजी ने राज्य देने का निर्णय किया और राज्य का निर्णय देने के करने के बाद उन्होंने कितनी बड़ी भूल की, और वो भूल यही थी कि उस रात्रि को उनको कैसे व्यतीत करना चाहिए था। और गोस्वामी जी ने एक सांकेतिक भाषा का वर्णन किया है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि संध्या का जो समय है वो सबसे अधिक सावधानी से व्यतीत करना चाहिए। कहते हैं प्रातः काल चाहे संध्या हो और चाहे वो सायंकाल वाली संध्या हो, और वैसे तो मध्य दिन में भी एक सूक्ष्म संध्या, तो ये मानते हैं कि संध्या के समय सांसारिक स्वार्थ का कार्य न करके व्यक्ति को शांत भाव से गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए, का भगवान सूर्य का ध्यान करना चाहिए। कितना बड़ा सूत्र है। अब इसके व्याख्या का अभिप्राय यह है, संध्या में सावधानी की आवश्यकता क्यों है। संध्या माने जहां प्रकाश और अंधकार के बीच की स्थिति, तो वो संध्या केवल ये दिन रात वाली ही संध्या नहीं है। हमारे आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आते हैं कि जब हम प्रकाश और अंधकार के मध्य में खड़े होते हैं, और उस समय कर्तव्य क्या है, गायत्री मंत्र का जप कीजिए। और गायत्री मंत्र के जप का अर्थ क्या हुआ, गायत्री मंत्र में यही प्रार्थना की जाती है, हे देवी, चाहे वो देवी कहें चाहे उनको ईश्वर कहें, कृपा करके आप मेरी बुद्धि को पवित्र कीजिए, शुद्ध कीजिए, प्रकाशमय कीजिए। बस यह सूत्र जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में है। ये जो दिन में संध्या है उसमें भी सावधान रहिए, और जब कहीं अंतःकरण में संधिकाल आवे तो बस गायत्री से भगवान से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमारी बुद्धि जो है वो शुद्ध बनी रहे, हमारी बुद्धि अशुद्ध न हो जाए। इसलिए रामायण में संकेत यह किया गया, लंका की संध्या, अयोध्या की संध्या और मिथिला की संध्या, और तीनों में अंतर यही था। मिथिला की लंका की संध्या तो बस एक ही है, संध्या हो रही है और लंकाधिपति क्या कर रहे हैं, बोले संध्या समय जान दस सीसा, चले वो भवन निरखत भुज भीसा। बस चले जा रहे और बार बार अपनी बीसों भुजाओं को देख रहे, क्या संध्या का सदुपयोग है। इसका अभिप्राय है, मैं कितना महान हूं, बीस भुजा वाला हूं, कौन टिक सकता है। और वो संध्या तो उसको इतनी महंगी पड़ी, एक संध्या को उसने यही कहा, होने दो नृत्य, होने दो संगीत, और वह संगीत और नृत्य उसी काल में भगवान का बाण आकर के उसका छत्र मुकुट काट देता है। मानो रावण के समान जो अविवेकी होते, जो निशाचरी वृत्ति वाले होते, और लोग केवल अभिमान में ही डूब जाते हैं, राग रंग में ही डूब जाते हैं, नृत्य और हंसुआ पर भी रावण की सभा में गीत भी हो रहा है, गंधर्व गीत भी गा रहे हैं, तो गाव ही लागे किन्नर गुनगन गावन। तो एक संध्या लंका की और क्या कहना है मिथिला की संध्या, क्या अद्भुत संध्या थी वहां की।
भगवान श्री राम की बारात कब निकली, गोस्वामी जी ने लिखा, धेनु धूर वेला विमल सकल सुमंगल मूल। जिस समय संध्या के लिए शास्त्रों में संध्या शब्द भी आया हुआ है और गो धूल वेला भी बताई गई, गाय चढ़ के लौटती है, सवेरे गाय चरने जाती है तो भी धूल उड़ती है, गाय शाम को चरने के बाद लौटती है तो भी धूल उड़ती है, तो गोधूल वेला। उनका गोधूल वेला में कितना सुंदर सदुपयोग उन्होंने किया, क्या बोले, इस वेला से बढ़कर के सीताराम और मिलन के लिए उपयुक्त तो समय कोई नहीं हो, चाहे भक्ति और भगवान का मिलन कह लीजिए, चाहे ज्ञान और भक्ति का मिलन कह लीजिए, या श्याम और गौर का सच्चा मिलन। बोले अंधकार श्याम दिन उज्ज्वल, उन्होंने कहा जानो इस अंधकार और प्रकाश के संधि में डर है, पर गौरांगी हमारी स्त्री किशोरी जी और श्याम हमारे प्रभु, बस इन दोनों का मिलन जिस संध्या में हो जाए वो व्यक्ति धन्य हो गए। और महाराज दशरथ के यहां तो संध्या का बड़ा महत्व था, पर सबसे बड़ी संध्या उनको मांगी पड़ी, साध समय सानंद नृप गए कई गए। कल राम को राज्याभिषेक दे रहा है और महाराज संध्या का सदुपयोग करने चले कई कई के माल में, और पता चला है महारानी कहां है, पहले कोप भवन में बैठी हुई, अब भी सावधान हो जाना चाहिए, लेकिन अच्छा वही मैं जा रहा हूं, पैर थोड़ा कांप रहे थे, घबराए हुए मुझसे लगने लगे, पहली बार तुलसीदास जी ने दशरथ जी की आलोचना किया, ये दशरथ स्वपति बसई बाहुबल जाके, स्वपति रही सकल रुखता के, सो सुनी तियरी से गये सुखाई, देखू काम प्रताप बड़ा। ये दशरथ काम ही आज हो गए हैं, इसी के लिए देखो भरत जी ने कहा काम बात ग्रह गई तो पूरी बात है, बस उधर लोभ और स्वार्थ का उदय हुआ, यहां पर ये काम की वृत्ति लेकर के चले गए, कामी की भाषा बोलने लगे, और उसके बाद वह स्थिति हुई कि परिणाम स्वरूप जब वो जाकर के कामी के रूप में ये कहने लगे महारानी कैकेयी से कि कैकेयी जी जानू जाने से मोर स्वभाव बरोरू तो मुख आनंद चंद चकोरू, कैकेयी तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे मुख चंद्र का चकोर हूं। तो मानो विधाता ने सिर पीट लिया, धन्य है दशरथ, अभी तक तो मैं समझता था कि रामचंद्र के चकोर है, पर आज पता चल गया कि कामचंद्र के भी ये चकोर है। तो जब तक रामचंद्र के चकोर थे तब तक राम पास में थे, पर कामचंद्र के चकोर हो गए तो राम जीवन से दूर चले गए। और उनका बिच्छू मारने का अर्थ है कि राम का वनगमन क्या है, बोले नगर व्याप गई बात सुती छी, छुअत चढ़ी जन सबतन बीछी, श्री राम का वियोग समस्या है, काम समस्या है, स्वार्थ समस्या है, अब उस समस्या का समाधान है तुम सिंहासन पर बैठ जाओ। उन्होंने कहा आप लोग ये समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं, ये शराब पिलाने वाला समाधान है। और उन्होंने कहा कि हां समस्या का समाधान पद से ही होगा, पर मेरे अयोध्या के राज्य पद पर बैठने से नहीं होगा। तब बोले आपन दारुण दीनता सब ही खेऊ सब उझाए, देखे बिनु रघुवीर पद जी की जरह न जाए, दवा सही यह है और वह संत सचमुच। हम लोग को अभी कल पूरी यात्रा कर ही देनी है, तो उसका सूत्र यही है, वह वैद्य जिसने रोग का निदान किया औषधि बता दिया कि बिना भगवान की भक्ति बिना भगवान को सिंहासन पर बैठाए समाधान नहीं होगा, इसके बाद की चर्चा आप लोग कृपा करके बिना जी कुछ सूचना दे रहे हैं उसे सुन करके जाएंगे।